हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई भी वीडियो बनाई नहीं है जिसमें कोई मुझे दिक्कत देखने को मिले किसी भी फ़ोन या फिर स्मार्ट वॉच में। बट इस बार मुझे रियलमी स्मार्ट वॉच, जो रियलमी वॉच 2 प्रो अभी अभी लॉन्च हुई है दोस्तों, इसमें मुझे एक दिक्कत देखने को मिली। ये देखिए, मैंने अभी यही पहनी हुई है। सो इसमें जो दिक्कत है, जो जीपीएस अपना, जो इसमें तो ड्यूअल सैटेलाइट जीपीएस आता है, जो एक्यूरेसी इससे अच्छी मानी जाती है, बट दोस्तों इसका जो जीपीएस है वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। जब भी हम वर्कआउट ऑन करते हैं मोड, देन रनिंग या फिर वॉकिंग, आउटडोर वॉकिंग का जो ऑन करते हैं, तो इसमें जीपीएस कनेक्ट ही नहीं होता। जब भी मैंने अभी मतलब ट्राई किया था 2-3 बार, मैं वैसे इसमें जो वर्कआउट मोड से वो ट्राई नहीं करता, दूसरी वॉच में ट्राई करता हूँ, बट इसमें अभी ट्राई किया तो इसमें ऑन ही नहीं हो रहा था दोस्तों। और जब मैंने 1 या फिर 2 मिनट तक ट्राई किया, बट ये सिर्फ कनेक्टिंग 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 ही आता है, इसमें ऑन होता ही नहीं है जीपीएस। एंड अगर हम स्टार्ट भी कर देते हैं, ऊपर जो बीच में बटन आता है, मैं आपको दिखा दूंगा या फिर स्क्रीन पे आपको दिखेगा। सो अगर जो बीच में बटन आता है स्टार्ट वाला, अगर हम उस पर क्लिक करते तो डिस्टेंस एंड स्पीड कुछ नहीं दिखाता, जस्ट आपका हार्ट रेट, आपकी स्टेप काउंटिंग होती है एंड कैलोरीज बर्न दिखाता है। सो एक बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी हम 5000 की वॉच ले रहे हैं, हम ये कोई 200 रुपये की वॉच तो है नहीं। और दोस्तों मैंने इस दिक्कत को बताने के लिए कस्टमर केयर से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, बट उसमें जब हम कॉन्टैक्ट करते तो इससे लूप की तरह घूमता रहता है, ये एक दबाए ये दो दबाए, एक दबाए ये दो दबाए, उनके कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा दोस्तों। जब मैंने उनको फीडबैक किया मैसेज के जरिए, तो वहाँ से रिप्लाई आया कि ऑटो अपडेट्स में सब कुछ हो सकता है, मतलब वो कोई भी ऐसे बता ही नहीं रहे कि एग्जैक्टली कैसे होगा, क्या होगा। अभी हम इतने मतलब महंगी वॉच है यार दोस्तों, अगर आप कोई स्मार्ट वॉच ले तो आपका पर्पस तो यही होने वाला है ना कि आपको स्मार्ट वॉच लेनी है, वर्कआउट वगैरह आप करोगे, आपका हार्ट रेट मॉनिटरिंग सब कुछ अच्छे से चले, यही तो आपका मोटिव होता है। बट अगर दोस्तों इसमें जीपीएस ही वर्क नहीं कर रहा तो क्या फायदा। और दोस्तों ये अगर इनबिल्ट जीपीएस के साथ आते हैं तो आपको फोन का जीपीएस ये यूज नहीं करने वाले। इसका मतलब आपका जीपीएस के सभी फीचर्स एकदम बेकार हो गए। ये बहुत बड़ी दिक्कत लगी मुझे, आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको जल्दी से वीडियो बना के इंस्टेंटली बता दिया। अभी मैंने इसको आपको बता देता हूँ कि इसको ठीक करने के लिए क्या क्या ट्राई किया। मैंने इससे स्विच ऑफ करके भी ट्राई करके देखा, ऑन किया, रिस्टार्ट भी करके देखा, एंड कुछ और सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह करके देखा, बट दोस्तों इसमें कुछ हो नहीं रहा। और दोस्तों इसको मैंने फॉर्मेट तक कर दिया अपने फ़ोन से, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। अभी तो इसी पे भरोसा है कि कभी अपडेट आए एंड उसके साथ ये सॉल्व हो जाए दिक्कत। बट दोस्तों अगर आप ये वॉच लेने की सोच रहे हो तो अभी रुक जाए, क्योंकि ये दिक्कत मुझे आई है, शायद आपको भी आ सकती है। क्योंकि दोस्तों ये 5000 की वॉच है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि इसमें ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं इसका बहुत जल्दी जब अपडेट आएगा तो उसका इंस्टेंटली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको एक पता चल जाएगा कि इसमें अपडेट के साथ क्लियर हो रही है चीज़ें या फिर नहीं हो रही है। और मैं इसका जल्द से जल्द कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मेरे कॉन्टैक्ट होता है मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा, आपको ऑडियो या फिर रिकॉर्डिंग क्लिप भी सुनाऊँगा, एंड उससे आपको पता चल जाएगा कि उनका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में। जैसे मेरा इस पर कॉन्टैक्ट होता है मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। और दोस्तों यही वीडियो आपको देखने के लिए, इसी तरह की वीडियो में बनाता रहूं, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो लॉन्च करूं सबसे पहले आ जाए आप तक। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी यही बताने के लिए आपको वीडियो बनाया हूं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही इस पर मैं एक जल्द वीडियो बनाने वाला हूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।